विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। तो बताइए आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? गुप्त वरदान, ब्रह्मदेव से गुप्त वरदान प्राप्त किया है मैंने, जिसका भेद मेरे मुख से कभी उजागर नहीं हो सकता। और ब्रह्मदेव भी मेरे वचन से बंधे होने के कारण इसकी चर्चा किसी से नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु के भेद को छुपाए रखने में सफल होकर इस दुष्ट ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर। किंतु ये हुआ कैसे? बुद्धि का अभाव तो अहंकारी असुरों का स्वभाव होता है। तो फिर इस असुर में गणेश जी की युक्ति को असफल करने की बुद्धि कहां से उत्पन्न हो गई? क्या हुआ, स्तब्ध रह गए ना तुम तुच्छ गजमुख बालक? मेरे इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ना तुम्हें? रहस्य है, अवश्य कोई रहस्य है अन्य असुरों से इसके भिन्न होने के पीछे। अब अपनी माला का जाप संपन्न करके अनंत पीड़ा दूंगा तुम्हें और तुम्हारी इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। एक कीट के समान मसल के रख दूंगा तुझे तुच्छ गजमुख। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस दुष्ट असुर से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होकर मुझे प्रभावित कर रही है, किंतु कैसे संभव है ये? धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब मैं समझा, इसकी सकारात्मक ऊर्जा का कारण है। अर्थात ये अवश्य किसी वैदिक मंत्र का जाप कर रहा है। ये तो गायत्री मंत्र है, विश्वास नहीं होता। ये दुष्ट असुर माँ गायत्री का उपासक है। ओम भूर्भुवस्वाम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसलिए अपने जाल में उलझा नहीं सका इसे, क्योंकि जो कोई भी गायत्री मंत्र का जाप करता है बुद्धि ज्ञान और एकाग्रता से समृद्ध हो जाता है और उसे किसी भी प्रकार से भ्रमित करना असंभव हो जाता है। व्यर्थ हो गई ना तुम्हारी योजना तुच्छ गजमुख। क्या सोचा था तुमने? तुम्हारे जैसे तुच्छ लघुकाय बालक के बिछाए जाल में फंस जाऊंगा मैं? भूल की है तुमने, बहुत बड़ी भूल। मुझ पर अपनी युक्ति का प्रयोग करने का दुस्साहस किया। ये गणेश जी ने स्वयं को किस संकट में डाल दिया? इस दुष्ट असुर से तो युद्ध का भी कोई लाभ नहीं, क्योंकि इसके अंत का रहस्य अभी तक किसी को ज्ञात नहीं। कैसी विडंबना है ये, एक और उधर दुर्गमासुर तामसिक माता को विवश कर रहा है, इस पापी ने गायत्री माँ की उपासना से स्वयं को सुरक्षित किया हुआ है। मुझे ही कोई उपाय करना होगा जिससे ये दुष्ट गायत्री माँ की उपासना से अपना मुख मोड़ ले, अन्यथा इसके वरदान का रहस्य यदि ज्ञात भी हो गया तो भी इसका वध करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ब्रह्मांड के सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक विराट असुर को संसार के सबसे छोटे तुच्छ गजमुख बालक ने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। मैं इस दुस्साहस का भयंकर दंड दूंगा तुम्हें। समझ गया, समझ गया। सर्वशक्तिशाली आप स्वयं को पुकारते अवश्य हैं सुरजी,
किंतु आपको इसकी सत्यता पर संदेह है। क्या क्या कहा तुमने? संदेह? और मुझे अपने बल पर? असंभव। अरे नहीं नहीं नहीं, संभव ही नहीं, सत्य है ये। आपको स्वयं पर ही विश्वास नहीं है और उसे मैं प्रमाणित भी कर सकता हूँ। शांत शांत हो जाओ तुम। मुझे प्रमाण दोगे स्वयं के अविश्वास का? जो सत्य है उसे नकारने का क्या लाभ है सूर जी? ये आपका स्वयं पर आपके विश्वास का ही तो परिणाम है, जिसके कारण आप माँ गायत्री की उपासना, उनका जाप करने पर विवश हैं। जाप नहीं, उपासना नहीं, मात्र अपनी माता का स्मरण कर उनकी स्मृति से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु उनके दिए गए मंत्र का पाठ भर करता हूँ मैं। ओ, तो आपको ये भी ज्ञात नहीं कि जिस बल का बखान आप कर रहे हैं वो माता आदि शक्ति के गायत्री माता के स्वरूप के आशीष का ही परिणाम है जो आपको उनकी उपासना से प्राप्त हुआ है। और मुझे तो गायत्री माता स्पष्ट दिखाई भी दे रही है, हाँ आपको आशीष देते हुए। कहाँ कहाँ है गायत्री माता? यहाँ तो कोई नहीं है गजमुख बालक, मुझे पुनः मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो तुम। माता के मंत्र के जाप से आपके अंतर में ज्ञान का प्रकाश अवश्य जागृत हुआ है सुरजी, किंतु आपके नेत्रों पर छाई अहंकार की काली छाया अभी भी आपकी दृष्टि बाधित कर रही है। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। जी माता गायत्री का मंत्र जाप कर रहे हैं, कदाचित इसीलिए वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति को स्वयं में ग्रहण कर पा रहे हैं। इसी मंत्र का जाप करते हैं ना आप असुर जी? वैदिक मंत्रों में सर्वोच्च है जिसका स्थान, सर्वाधिक है जिसकी महिमा, और जब भी आप इसका पाठ करते हैं तो आप ज्ञान के प्रकाश को पाने के सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं। ये कैसा दोहरा आचरण है आपका असुर जी? जिन माता आदि शक्ति का विरोध कर उनसे युद्ध करने की आप इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा कर उनसे बल प्राप्त करते हैं। भले ही दम्भवश उनकी शक्ति की सत्ता को तो आप स्वीकार नहीं करते, किंतु अवश्य ही भीतर उनको स्वयं से श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा भी करते हैं आप। कैसा परिहास है ये तुम्हारा बालक? किंतु यही अर्थ है इस मंत्र का, तो आज से रोक दूंगा इस जाप को। सर्वश्रेष्ठ हूँ मैं, मुझे किसी की कोई उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये भी ज्ञात नहीं इस मूर्ख असुर को कि मंत्र के जाप से प्राप्त संपूर्ण शक्ति भक्त की जाप माला में ही संचित होती है। जिस माला को सदैव अपने कंठ में धारण करना चाहिए था इसे उसे ही छिन्न भिन्न कर दिया इस दुष्ट ने, और अपने जाप से संचित शक्तियों को, उसके प्रभाव को क्षण भर में खो दिया इसने सब कुछ।
अब तक जो भी सकारात्मक ऊर्जा एवं शक्ति इसे प्राप्त थी वो मंत्र जाप की माला तोड़कर खो दी इसने। इतना तुच्छ और लघु होकर भी मेरे बल पर संदेह करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम? अब तुम्हें अपना आहार बनाकर अपने सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण दूंगा तुम्हें, और ये निरीह अशक्त देवता मुझे तुम्हारा आखेट कर देखकर विलख कर रह जाने के लिए विवश होंगे। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की शक्ति। छोड़ दो मुझे गजबक, छोड़ो मुझे। लो छोड़ दिया। चलिए मूषक जी, जिस कार्य के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है हमने। इस दुष्ट की गायत्री माता की उपासना भंग करवा दी हमने। देवगणों, कुछ समय के लिए धीरज रखिए, माता स्वयं आकर आप सबको अवश्य रक्षित करेंगी। प्रस्थान कहाँ कर रहे हो गजमुख बालक? अभी ये क्रीड़ा शेष है, क्योंकि एक मच्छर अगर सिंह को डंक मारने में सफल हो जाए तो वो सिंह नहीं हो जाता। मैंने तुम्हें कम आंकने की भूल अवश्य की थी, किंतु तुम्हें अरुणासुर की वास्तविक शक्ति का परिचय अब ज्ञात होगा। मार्ग से असुर जी, आपसे युद्ध करने नहीं आया मैं, क्योंकि जिस युद्ध के लिए आप इतने तत्पर हैं, वही आपके सर्वनाश का कारण बनेगा। वो युद्ध निकट भविष्य में अवश्य होगा, किंतु अभी मुझे रोकने का कोई लाभ नहीं। मुझे जाने का मार्ग दीजिए। अच्छा, जाना चाहते हो यहाँ से? तो प्रयास करके देख लो। तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मृत्यु के लिए लेके आया है, जो मेरे द्वारा नियत है। तो जाओ। यदि गणेश जी आगे बढ़े तो वो संकट में आ जाएंगे। यहाँ से बाहर जाने वाले मार्ग में तो इस असुर ने भयंकर जाल बिछा रखे, हमें कैसे भी गणेश जी को सावधान करना होगा। थल और आकाश दोनों मार्ग से भीषण लावे का संकट है। गणेश जी ये तुच्छ देवता कितना भी प्रयास कर लें, किंतु ये तुच्छ गजमुख को सावधान नहीं कर सकेंगे। ये मूर्ख असुर कर क्या रहा है? अरे ये तो हमारे ही स्वर को बाधित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ से लौटने के पूर्व यदि मैं देवताओं को मुक्त करा सकता तो और अच्छा होता, किंतु यदि माँ ने मुझे इसका आदेश नहीं दिया था तो इसका यही अर्थ है कि ये शुभ कार्य उनके द्वारा ही होगा। वो स्वयं इस दुष्ट का वध कर देवताओं को मुक्त कराएंगी। इस प्रकार नहीं तो उस प्रकार ही सही, किंतु अंत तो तुम्हारा आज ही होकर रहेगा तुच्छ गजमुख। आकार ही कितना है तुम्हारा, इसलिए तुम अपनी मृत्यु के लिए उबलते लावा का चुनावरण करो अथवा धधकती अग्नि का। दोनों ही क्षण भर में तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे।
प्रथम पूज्य गणेश जी को वहाँ से लौटने में इतना विलंब क्यों हो रहा है माता? अवश्य लौटेगा पुत्र गणेश, और जो वचन दिया है उसने उसे पूर्ण भी करेगा। माँ को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मैं अपनी चिंता कैसे शांत करूं? कदाचित मुझे वहां जाकर देखना चाहिए कि कहीं अनुज गणेश किसी कठिनाई में तो नहीं। वाक युद्ध करते करते कहीं वहां वास्तविक युद्ध तो आरंभ नहीं हो गया? अब कुछ ही पल शेष है इस तुच्छ गजमुख के जीवन के। एक पग और भरो गजमुख, तब मुझे आनंद आएगा। रुक जाइए मुशक जी। क्या हुआ प्रभु? यहाँ इस दुष्ट का बिछाया हुआ भयंकर जाल है, जो हमारे इन सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हमारे लिए घोर संकट उत्पन्न करेगा। ये दृश्य तो मैंने आते समय ही देखा था। इसे तो ज्ञात हो गया कि इसका बाहर जाना यहाँ से तो असंभव है। तो अब जब उसे ज्ञात हो ही चुका है कि कैसे उसके साथ मैं एक मस्तिष्क परीक्षण क्रीड़ा करने वाला हूँ, तुम्हारे समक्ष दो ही मार्ग हैं। प्रथम, मुझसे युद्ध कर अपनी मृत्यु स्वीकार करो, अथवा यहां से जाने की चेष्टा करो। किंतु स्मरण रखना, यदि तुमने थल मार्ग से जाने का प्रयास किया तो उबलता हुआ लावा तुम्हें पिघला देगा, और आकाश मार्ग से जाने का प्रयास किया तो धधकती हुई ज्वाला से झुलसकर नष्ट हो जाओगे तुम। तुम्हारे जैसे छोटे गजमुख को यहाँ आने से पूर्व अनेक बार विचार करना चाहिए था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आप मुझे तुच्छ पुकार कर मुझे स्वयं से निम्न प्रमाणित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अपने विशाल काय आकार को लेकर इतना अहंकार क्यों है आपको? आकार ही किसी के सामर्थ्य का सूचक क्यों है आपके लिए? उचित कहा प्रभु। हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ स्थिति में आकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवश्य हो जाता है, जैसे इस समय मेरे नहीं तुम्हारे इस साम्राज्य के लिए। अरे ये तुच्छ छोटा सा गजमुख बालक इतना विशाल काय कैसे हो गया? ओम गजाननम भूता गणाधि सेवितम। प्रभु, के बाहर के प्रभाव से ये स्थल भी विभक्त हो गया, जिसके कारण मेरा भवन नष्ट हो रहा है। अंततः गणेश जी ने इस दुष्ट को अपनी वास्तविक शक्ति का परिचय दे ही दिया। मेरे विचार से आज हम दोनों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ सीखा है कि हमें अपने शत्रु को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अरे तुच्छ देवताओं, तुम कहाँ मक्षिकाओं के समान उड़े जा रहे हो? तुम्हें तो कीट पतंगों के समान अपने पैरों में दबा के रखूंगा। कसुर, जिनके पुत्र ने तुम्हारी ऐसी अवस्था की है, जब वो स्वयं यहाँ पधारेंगी तो तुम्हारी कैसी दुर्दशा करेगी, ये तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा।
क्या है गणेश? यहां क्या करने आए थे तुम? और ये सब क्या कर दिया तुमने? शक्ति प्रदर्शन में देखो कितना विनाश कर दिया है तुमने। और मां को दिया हुआ वचन, जिस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हें यहां भेजा था वो पूर्ण किया ना तुमने? क्या उस असुर के वध का उपाय ज्ञात कर सके तुम? उत्तर दो गणेश। नहीं भैया, किंतु उस दुष्ट को एक उचित पाठ पढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। वो मेरी युक्ति में नहीं उलझा। किंतु आप चिंता ना करें, मैं वो भी अवश्य ज्ञात कर लूंगा भैया। किंतु आप उसकी मृत्यु के कारण को कैसे ज्ञात करेंगे हम, ये मेरी समझ के बाहर है गणेश। शत्रु किसी व्यवसाय में हो या फिर सगे संबंधियों के बीच, उसे छोटा अथवा निष्क्रिय समझने की भूल करना स्वयं के लिए संकट को निमंत्रण देने के समान है। असुर, इस महल की सुरक्षा कड़ी कर लो, क्योंकि माता आदि शक्ति तुम पर किस प्रकार आक्रमण करेगी इसका आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है। एक आंधी का रूप लेकर जाएंगे वहाँ और इस ब्रह्मांड से उस दुष्ट का अस्तित्व ही मिटा देंगे। अगले हफ्ते जानिए माता के भ्रमरी अवतार की कहानी विघ्नहर्ता गणेश में।